हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे जिसका हम लगभग, अगर हमने 10 वीडियो बनाया है ना, तो उसमें से 8 वीडियो में इस स्टॉक का चर्चा रहा है और अभी भी देर नहीं है। और वो स्टॉक जिसका चर्चा हुआ है वो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं बुलिश इसलिए नहीं हूँ कि ये बैंक अच्छा है, मैं इसलिए बुलिश हूँ कि इस स्टॉक में जो हमने साइकिल स्टडी किया है, एक स्टॉक की साइकिल एनालिसिस करने में मेरे को लगभग 1 वीक का टाइम लगता है। अगर मैं स्टडी करूँ तो अप्रोक्सीमेट 1 वीक एंड 10 आवर्स का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 10 आवर्स एवरी डे, तो 70 आवर्स का कैलकुलेशन मुझे करना पड़ता है। और पिछले 1.5 साल से मैं ये स्टडी करके बैठा हूँ। इसलिए कन्विक्शन क्या होता है किसी स्टॉक को लेकर के, वो कन्विक्शन आपको मेरे वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा पे दिखता होगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉकों पे दिखता होगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 1 स्टॉक, उनमें से नंबर 1 स्टॉक उस स्टडी में से मैंने चर्चा किया है। स्टडी तो एवरी स्टॉक का मैं अगर उतना टाइम दूं तो अच्छे तरीके से उसका कब तेजी कंप्लीट होगा, कब मंदी होगा, लॉन्ग टर्म चार्ट में टारगेट क्या है, इसके कितने बड़े टारगेट है, आप सुन करके मैं जो कि यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा आप हैरान रह जाइएगा। ये आपको करोड़पति बना सकता है ये स्टॉक, ऐसा मेरा स्टडी है। और डिस्क्लेमर याद रखिए कि मेरे इस स्टडी एनालिसिस पे कोई भी खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस बात को सुनिएगा। सेकंड थिंग, मैं यहाँ कन्विक्शन की बात करूँगा। और थर्ड थिंग, इस स्टॉक में कल हुआ क्या और क्या होने जा रहा है उसकी हम बात करेंगे, और अभी भी देर नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इस स्टॉक का जो लो था और इस कन्विक्शन पे जिसने भी बाई किया होगा, एवरी डीप अगर आपने बाई किया होगा, एवरेज प्राइस कहीं ना कहीं आपका वहां से भी 10-20% की तेजी, अगर आप इस हाई पे भी किसी ने स्टॉक ने लिया होगा और हर डीप पे बाई किया होगा, आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। इवन एफएनओ में जो ट्रेडर हैं वो कहीं ना कहीं तेजी में स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर होते हैं और लॉस बुक नीचे आ जाता है, स्टॉक लॉस बुक करना पड़ता है। ट्रेडर कभी भी पैसा इस ऐसे नहीं कमा सकता, लेकिन एक इन्वेस्टर है, कन्विक्शन होना चाहिए कहाँ तक एवरेज करोगे, स्टॉक 0 हो जाएगा तो कन्विक्शन अगर आप हैं तो। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं कि एवरी डिप पे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं है, बॉटम पे ही आप लॉस बुक करेंगे। कन्विक्शन इस स्टॉक को लेकर के नहीं है तो कहीं ना कहीं बॉटम पे ही आप लेके निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, लॉस बुक कर लेंगे। खैर, हम यहाँ बात करेंगे इस स्टॉक में जो तेजी देखी जा रही है, कल जो हुआ इसमें अच्छा खासा निचले लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और 88.90 पैसे का हाई जो लगा है, ये जून के आसपास ये हाई लगा था। और ये हाई सपोज यहाँ लगा है, ये डेट है आपका 30 जून को, 30 जून को इसने 88.10 पैसे का हाई लगाया है। उस हाई को इसने क्रॉस किया है, सस्टेन किया है, वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छा खासा हुआ है। ये स्टॉक रनवे पे तैयार हो चुका है जो बड़ी छलांग के लिए तैयार होने वाला है। बड़ी छलांग का मतलब क्या है कि 93 के बाद इस स्टॉक का जो मेजर टारगेट है, रेड लाइन 110 रुपये, और 110 रुपये के ऊपर चलेगा तो एक नए जो हमारा व्यू था कि ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ये बहुत जल्दी बड़ा टारगेट के लिए यहाँ से डबल होने की तैयारी कर रहा है। ऐसा चार्ट एनालिसिस, और वैसे भी कन्विक्शन इसमें है, गिरे भी तो कन्विक्शन वही है कि मैं इस पे बुलिश हूँ बहुत। ये 4 डिजिट का स्टॉक होने वाला है, 4 डिजिट का स्टॉक होने वाला है ऐसा, लेकिन टाइम लग सकता है। कोई भी खरीद बेच अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमारे चर्चे में हैं, स्टडी में है, जो कि ये जब तक स्टॉक वो निकलता नहीं है, दूसरे स्टॉक की मैं बात नहीं करता हूँ, ये स्टॉक हाथ से निकल जाएगा, फिर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे।
ट्रेंड से, ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले हम उससे स्टॉक, किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। ये चैनल स्पेशल गैन टाइम प्राइस, गैन एस्ट्रो के बेसिस पे, ज्योतिष सिद्धांत, फाइनेंशियल ज्योतिष सिद्धांत के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में पार्टिकुलर स्टॉक का टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश किया जाता है, ना कि स्विंग ट्रेडिंग। तो एक पार्ट टाइम गेम है, लेकिन साइक्लिक स्टडी जिसको बोलते हैं, बड़े साइकिल का बड़ा टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो लर्निंग है, वो यहाँ पे स्पेशल स्टॉकों को पकड़ के स्टडी दिया जाता है। इसलिए ऐसे स्टॉकों के साथ बने रहिए, और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के।